जरा बताइए तो, हम सब तारीख देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए बताइए। अरे भाई, कैलेंडर का। आपके घर में भी तो अच्छे अच्छे और अलग अलग आकार के कैलेंडर होंगे ही ना? आइए, मैं आपको कैलेंडर में गणित के खेल दिखलाता हूँ। सबसे पहले इसे ध्यान से देखें, फिर इस प्रकार से चार संख्याओं को चुन लें। आओ, अब इन संख्याओं को जोड़कर देखें। अरे भाई, इस तरह से नहीं, हम इन्हें इस तरह से जोड़ेंगे, तभी तो खेल का मजा आएगा ना। तो देखा आपने किस तरह इन संख्याओं का मान समान आया। अब हम और कोई चार संख्याएं लेते हैं। और इन्हें भी उसी प्रकार से जोड़ते हैं। अरे वाह, देखा आपने, इनका मान भी समान ही आया। जरा और किन्हीं चार संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। इनका मान भी बराबर ही आया। अगर पूरे कैलेंडर में इस तरह हम किन्हीं भी चार संख्याओं को जोड़ेंगे तो मान बराबर ही आएगा। चलो बच्चों, अब हम खेल को बड़ा बना लेते हैं, यानी कि हम संख्याओं को बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ 9 संख्याओं को लेते हैं, इन्हें भी पहली वाली संख्याओं की तरह ही जोड़ते हैं। यहां इन संख्याओं का मान भी समान ही आया। हम कोई दूसरी 9 संख्याओं को लेते हैं। यहां इन संख्याओं का मान भी समान ही आया। अब हम खेल को कुछ अलग ढंग से खेलते हैं। सबसे पहले इस तरह की 9 संख्याओं को चुन लो। और अब इन्हें जोड़कर देखते हैं। इस तरह नहीं, हम इन्हें इस तरह से जोड़ते हैं, तभी तो गणित के खेल का मजा आएगा ना। अब जरा इस मान को आधा करो और जरा इस मान को बीच वाली संख्या से तो मिलाओ। इसी तरह दूसरे कोने की दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करो। तब भी मान बराबर ही आया। कोई दूसरी 9 संख्याओं को लेकर देखते हैं।
इनका मान भी बीच वाले मान के बराबर ही है। अरे ये खेल तो रोमांचकारी होता जा रहा है। अब ये खेल देखो, इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ो तो अब जरा कुल संख्या यानी 9 को बीच वाली संख्या से गुणा तो करो। ये मान किस तरह पहले वाले मान के बराबर ही है। इसी खेल को किन्हीं दूसरी 9 संख्याओं पर भी कर देखते हैं। यहां भी दोनों मान समान ही आए हैं। अब हम खेल को और बड़ा बनाते हैं। हम 16 संख्याओं को लेते हैं। हम इन्हें इस तरह से जोड़ते हैं। ये दोनों मान भी बराबर ही हैं। अब हम खेल को और बड़ा बनाते हैं और एक-एक लाइन को लेते हैं। अब सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। जरा बीच की संख्या तो देखो, इसमें कुल संख्या यानी 7 का गुणा करें तो क्या देखा? हाँ, ये मान संख्याओं के कुल योग के बराबर ही है। इसी तरह हम दूसरी लाइन को भी जोड़कर देखते हैं। इन्हें भी उसी प्रकार से करके देखते हैं। तो देखा आपने किस तरह हम जल्दी से इसका योग निकाल सकते हैं? आओ अब इसे देखो। सारी संख्याओं को जोड़कर तो देखो।
बीच वाली संख्या को देखो। इस संख्या को कुल संख्या यानी 21 से गुणा करो तो देखा किस प्रकार यहां पर दोनों मान बराबर आए हैं। तो देखा कैलेंडर में किस तरह अलग अलग गणित के खेल छुपे हैं। अब तो आप भी ये खेल दूसरों को सिखा सकते हैं।